दोस्तों आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। अभी की बड़ी खबर राज्य के विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को लेकर है। राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है। जो ब्यौरा सामने आया है उसके आधार पर वर्तमान में 10,341 पद खाली हैं। अब इन 10,341 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी, आपके जहन में सवाल होगा। तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, आपके एक लाइक की ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे, इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 21 सितंबर 2020 को एक अहम बैठक की गई थी। 5:30 बजे से बैठक शुरू हुई थी, घंटों तक बैठक चली थी, जिसमें सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, चयन बोर्डों के अध्यक्ष, आयोगों के अध्यक्ष शामिल थे। भर्तियों पर विधिवत रूप से चर्चा की गई और एक टारगेट रखा गया है 180 दिन का। 180 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो 6 महीने का जो टारगेट है, अब इस टारगेट को आयोग, चयन बोर्ड पूरा कर पाते या नहीं, यह समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो निर्देश है उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 5,478 जबकि LT ग्रेड शिक्षकों के 4,863, कुल मिलाकर 10,341 पद रिक्त हैं। एक प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षिक अर्थात प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 1992 में एक व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के अनुसार 50% पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का है तथा 50% पदों पर LT ग्रेड में कार्य सहायक अध्यापकों के प्रमोशन से भरने का प्रावधान है। 100% जो पद हैं, अगर 10,000 पद हैं तो उसमें से 5,000 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और 5,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, यही प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि भर्ती कब होगी, विज्ञापन कब जारी होगा। अभी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2018 में भर्ती निकाली गई थी वही नहीं पूरी हुई है, अभी 2 विषयों का परिणाम आना बाकी है। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यदि प्रवक्ता के 5,478 में से आधे पदों को अर्थात 2,739 पर LT ग्रेड का प्रमोशन हो जाता है तो रिक्तियों की संख्या 10,341 ही बनी रहेगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला ने रिक्त पदों का अध्याचन तत्काल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश पिछले सप्ताह दिया था, जिसके बाद अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने 16 सितंबर 2020 को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर एक सप्ताह में ब्यौरा मांगा है। देखिए, लापरवाही होती है, कोई भी ब्यौरा मांगा जाता है, अगर एक सप्ताह में कहा जाता है तो 3 सप्ताह लग जाते हैं, 4 सप्ताह लग जाते हैं, ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अहम बैठक हुई है 21 सितंबर 2020 को, तब से प्रक्रिया को गति मिली है। अब भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों को भर्ती से मतलब है, नौकरी से मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं है। बस रोजगार चाहिए, रोजगार है तो पैसा है, पैसा है तो कपड़ा है, खाना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, एजुकेशन, सब कुछ है। पैसे बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए रोजगार की आवश्यकता है। अब रोजगार मिले तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च 2020 तक LT ग्रेड शिक्षकों की महिला व पुरुष शाखा के क्रमशः 5,916 व 6,470 कुल 12,393 पद खाली थे। इनमें लोक सेवा आयोग की 15 विषयों की LT ग्रेड भर्ती 2018 के रिक्त पद भी शामिल हैं। आयोग अब तक LT ग्रेड के 13 विषयों के अर्थात 4,243 पदों पर चयन कर चुका है, जबकि हिंदी व सामाजिक विज्ञान के 3,287 पदों का परिणाम घोषित होने जा रहा है। अभी घोषित नहीं हुआ है, संभावना है कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार
एलटी के कुल रिक्त पदों को निकाल दें तो 4,863 पर खाली हैं। देखिए जो भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही हैं अगर उसको हम निकाल देते हैं तो 4,063 पद खाली हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं अगर उसको हम निकाल देते हैं तो 4,863 पद खाली हैं। अब इन पदों का ब्यौरा मांगा गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि डॉक्टर अंजना गोयल ने 16 सितंबर 2020 को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर एक सप्ताह में ब्यौरा मांगा है। जैसे ही ब्यौरा प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करेगा। देखिए इसमें बहुत नियम कानून होते हैं, आरक्षण सब कुछ सही करने के बाद उसके बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। तो विज्ञापन कब आएगा सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं विज्ञापन के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन नवंबर माह तक भेज दिया जाएगा और विज्ञापन दिसंबर के अंतिम या जनवरी माह में जारी किया जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि फरवरी से मार्च नहीं होगा, फरवरी के पहले पूर्ण उम्मीद है कि विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो आपका क्या काम है, तैयारी करना। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार।